गाइस, क्या आप अपनी YouTube की पूरी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो, यानी कि जो आपने सर्च कर रखा है आज तक उसको डिलीट करना चाहते हो, या फिर जो आपने वॉच हिस्ट्री बना रखी है, यानी जितने भी आप कंटेंट देख रहे हो उसकी पूरी वॉच हिस्ट्री है उसको डिलीट करना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं आपको बता दूँ, आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसके जरिए आप एक क्लिक में सारी हिस्ट्री को डिलीट कर सकेंगे। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री क्यों डिलीट करना चाहते हो भाई? ऐसा क्या सर्च कर लिया या फिर ऐसा क्या देख लिया जो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हो? कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अभी से कर देना लाइक। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष और यूट्यूब चैनल। तो चलो भाई, आज यूट्यूब की हिस्ट्री को डिलीट करना सीख ही लेते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले यूट्यूब में चलते हैं और यहां से यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे और सर्च हिस्ट्री देखेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सर्च हिस्ट्री मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, वो इस फोन में सर्च वर्च करता रहता है। तो हम देखते हैं क्या सर्च किया हुआ है भाई। बहुत कुछ, चंद्रमुखी, राउंड टू हेल वगैरह सारी चीजें सर्च हैं, और ऐसे ही आपकी सर्च हिस्ट्री यहां पे शो करती है और आप इसी को डिलीट करना चाहते हो। और वॉच हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखो, यहाँ पे वॉच हिस्ट्री आपकी आ जाती है, आप क्या क्या देख रहे हो, ठीक है? तो वॉच हिस्ट्री तो बहुत सिंपल है यार डिलीट करना। वॉच हिस्ट्री मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जस्ट आपको क्या करना है, वॉच हिस्ट्री डिलीट करने का, देन हम जानेंगे कि सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है? तो ये रही हमारी वॉच हिस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत कुछ देख रखा है हम लोगों ने। तो सिंपली हमें क्या करना है कि वी वॉल पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। बहुत सिंपल है यार, और तुम खास करके मेरी वीडियो देख रहे हो तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री। इस पर क्लिक करोगे, पूछेगा भाई सारी इस वाली जीमेल की डिलीट करनी है। जीमेल वाइज अलग अलग होती है, अगर आपको लगता है किसी और जीमेल पे आपने देख रखी है तो उसको लॉगिन करके भी आप कर सकते हो। तो क्लियर वॉच हिस्ट्री पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे आपकी जितनी भी वॉच हिस्ट्री थी ना वो पूरी डिलीट हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अभी भी सर्च हिस्ट्री आ रही होगी, सर्च हिस्ट्री का जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट, जो हम जानते हैं अब। तो वॉच हिस्ट्री तो बहुत सिंपल था, डिलीट करना सीख लिया। तो इसीलिए सबसे पहले हम सभी को बधाई हो, क्योंकि हम एक नई चीज सीख चुके हैं। अब हम दूसरी चीज सीखते हैं, उसके लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के लिए हमें ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा सेटिंग वाले आइकन पे, देन हमें क्लिक करना है मैनेज ऑल हिस्ट्री, इस पे क्लिक कर देते हैं। अरे मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, उस पे क्लिक करना था मैनेज ऑल हिस्ट्री, तो इस पे अब सही क्लिक हुआ है। उसके बाद इस तरीके से लोडिंग होगा, अगर तुम्हारा इंटरनेट अच्छा है तो फटाक से लोडिंग हो जाएगा। मेरा भी अच्छा है लेकिन वीडियो के टाइम ही खराब होता है, बट गोइंग। तो यहाँ पे देखोगे सारी सर्च हिस्ट्री आ रही है, VR वीडियो, हॉरर, VR, ये जो हमने सर्च किया हुआ है। अगर आप सिर्फ एक दो सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली इस पे टैप करोगे, यहाँ से एक एक करके डिलीट कर सकते हो। बट मुझे पता है बहुत लेंथी प्रोसेस, इतना कौन पचेगा यार, कौन परेशान होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों समझा देता हूँ, समझ लो, काम आएंगे। ऐसा नहीं भाई मैं तो सीख गया अब मैं वीडियो छोड़ के भाग जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। वीडियो देख लो, काम की है, हमेशा काम आएगी, एक बार सीख गए ना हमेशा काम आएगा, ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन है डिलीट टुडे, यानी कि अगर आपको आज की सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है कि आपने आज क्या क्या सर्च किया है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और यहाँ से जो आपकी सर्च हिस्ट्री है वो आप डिलीट कर पाएंगे। ये देखो डिलीट हो गई है, सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन है डिलीट कस्टम रेंज, ये बहुत सही ऑप्शन है, यानी अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे कोई पर्टिकुलर डेट की सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है, लास्ट मंथ की या फिर किसी और डेट की, तो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल मुझे ना भाई अक्टूबर की डिलीट करनी है, तो मैं 1 अक्टूबर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? और यहाँ से बिफोर यहाँ पर हम लोग कर देंगे 30 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये इसके डेट रेंज भाई ये 10, अच्छा 10वां महीना मैंने सिलेक्ट किया भाई, क्या भाई? तो यहाँ पे कोई भी डेट आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये डेट सिलेक्ट कर ली है भाई, 1 से लेकर 28 तक की हमें डिलीट करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा भाई तुम्हें डिलीट करनी है, कन्फर्म हो सारी, ये सारी डिटेल, मैंने हाँ भाई डिलीट करनी है हमें। तो ये देखो ये डिलीट हो गई, 1 महीने की जो हमारी हिस्ट्री थी वो डिलीट हो गई, जो लास्ट 28 डेज की थी। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाता है डिलीट ऑल टाइम, अगर आपको लगता भाई मुझे इतना करना ही नहीं है, मेरे को जिंदगी भर की सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है, तो आपको डिलीट ऑल टाइम पे क्लिक कर देना है और यहां से आप डिलीट कर सकते हैं। और मैं अब आपको बता देता हूं, देखो आपकी सर्च हिस्ट्री यहां से रिमूव हो गई होगी, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कैशे की वजह से शो करने लग जाती है। देखो अभी हो सकता है दिखेगा, है ना? अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां से यूट्यूब ऐप को हटाना पड़ेगा बैकग्राउंड में से। देन अब जो लोडिंग होगा ना उसमें आप देखोगे सर्च हिस्ट्री गायब होगी। यहां पर एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं, एंड भाई तुम देखो सर्च हिस्ट्री पूरी गायब है यार, क्या क्लिक हो रहा है, सर्च हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा सर्च हिस्ट्री में। तो इस तरीके से भाई तुम YouTube की पूरी हिस्ट्री को बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बस एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।